हमारे साथ आज हमारे दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमोडिटी बाजार पर बात करेंगे, लेकिन अनुज इससे पहले आपकी आज की हॉट पिक जानना चाहती हूं। मुग्धा जी, गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें तो कॉटन के अंदर हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं यूएसडीए के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी जो प्रोडक्शन है वो कम होने की बात सामने आई है, और साथ में अगर देखें तो जो बारिश अभी थोड़ा सा डिले हुआ है उसकी वजह से सोइंग की प्रोग्रेस पर असर पड़ सकता है। तो हमें लगता है कि कॉटन में एक अपसाइड मोमेंटम हो सकता है, तो कॉटन को बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 22,600 का रहेगा, टारगेट करीबन 23,700 तक देखने को मिल सकता है। वहीं जीरे के अंदर भी हमने एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है, हमें लगता है जीरे के अंदर बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 16,100 का, टारगेट करीबन 17,000 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट नवनीत, आपके अनुज मसाला पैक क्लियरली काफी एक्शन में है, लगातार हम तेजी देख रहे हैं इसमें। क्या करना चाहिए इस वक्त मसाले पैक पे, और सबसे ज्यादा तेजी आप कौन से मसाले में देख रहे हैं? देखिए, मसाले के अंदर अगर देखें तो मॉनसून का इम्पैक्ट तो रहा है, साथ में हमने देखें तो काफी भाव नीचे आ चुके थे जिसकी वजह से एक बाउंस बैक यहां पर हुआ है। हालांकि जो निर्यात मांग है वो यहां पर काफी अच्छी बनी, अगर हम जीरे को देखें, टर्मरिक को देखें, तो एज कम्पेयर टू पिछले साल के मुकाबले जो निर्यात मांग है वो यहां बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जीरे में और टर्मरिक में, इवन अगर हम धनिया की बात करें, तो सभी मसालों में एक तेजी का माहौल यहां पर देखने को मिल सकता है, और एक शॉर्ट कवरिंग भी यहां पर देखने को मिली है, तो थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल स्पाइसेस में देखने को मिला है। और हम अगर बेस्ट पिक चुने तो मुझे लगता है कि जीरे के अंदर बाय करके चलना चाहिए जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें करीबन 17,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, मींस करंट रेट से 400 से 500 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ यहां पर चने पर भी फोकस करेंगे, आपको लगता है ये जो तेजी हम देख रहे हैं ये मात्र शॉर्ट कवरिंग की वजह से है? क्या सस्टेनेबल है ये तेजी, इस वक्त क्या पोजिशन बनानी चाहिए? देखिए, चने के अंदर पिछले अगर हम देखें तो 7-8 दिनों से एक गिरावट देखने को मिल रही थी, हमने कल ही एक बाउंस बैक आते हुए देखा जिसका असर आज रहा है। मुझे लगता है कि सलोन राइस की मार्केट रहेगी, क्योंकि चने का अगर हम प्रोडक्शन देखें या फिर अगर हम जो इंपोर्ट हुआ है वो देखें या फिर जो मानसून का फिगर है उसको अगर वॉच करें, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अब सलोन राइस ही रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। हमें लगता है कि जो भाव है यहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं, एक्सपेक्टेड है कि 3250 से लेकर 3200 रुपए तक के लेवल चने के जुलाई वायदा में लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट अनुज, मेंथा ऑयल ट्रैक कर रहे हैं क्या आप? आज भी काफी वॉलेटाइल है, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार वॉलेटिलिटी यहां पर दिखाई दे रही है, मेंथा ऑयल में आप क्या सलाह बना रहे हैं? देखिए, मेंथा को अगर हम ट्रैक करें जनवरी से लेकर अगर हम मई तक देखें तो एक तेजी का माहौल देखने को मिला था, इवन हमने हाईज लगते हुए देखे थे। और अगर हम देखें तो करंटली जो कॉन्ट्रैक्ट है जून वाला वो करीबन 1147 के अराउंड चल रहा है। एक काफी बड़ा गैप था मई और जून के प्राइसेस के बीच में, क्योंकि यहां पर जनरली इसकी अराइवल स्टार्ट होती है, मगर इस बार कुछ अराइवल जो है वो डिले है बारिश की वजह से। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक यहां पर हो सकता है, और हमने इस बार जो उसकी एक्सपोर्ट डिमांड थी वो भी बढ़ती हुई देखी थी, तो मुझे लगता है कि 1147 जो रेट चल रहे हैं ये काफी लोअर लेवल्स हैं, यहां से हमें लगता है कि एक बाउंस बैक मीन्स अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो यहां से ले सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर 1200 रुपए तक के लेवल मेंथा में देखने को मिल सकते हैं, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस कमोडिटी में देखने को मिल सकती है। ओके, तो मेंथा ऑयल में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, डिमांड भी बेहतर है, और यहां पर आपको लगता है, अनुज को लगता है कि खरीद कर चला जा सकता है। अनुज और नवनीत बने हुए हैं हमारे साथ, लेते हैं यहां पर एक छोटा सा है। अनुज, इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है 1200 का लेवल, अब इनको क्या करना चाहिए? देखिए, इनकी जो पोजीशन है ये प्रॉफिट में है, तो इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 1170 को लगा सकते हैं, और बेहतर है कि एक बार यहां प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो 1170 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि यहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि इनकी कॉस्ट करीबन 1200 रुपए तक वापस आ सकता है, तो 1200 के आसपास दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सलाह है आपके लिए कि 1170 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर चलिए इसी के साथ अपने दोनों ही एक्सपर्ट से लेंगे इजाजत। अनुज और नवनीत, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही, हमें यहीं दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।